अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। चलें जी, आज हम लोग अपनी उर्दू की बुक का काम करेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी उर्दू की बुक का कौन सा काम करेंगे देखते हैं। चलें जी, सबसे पहले मैं इसका टॉपिक पढ़ती हूँ। अनवान क्या है? ई के चार हर्फ अल्फाज लिखें। ई के चार हर्फ अल्फाज लिखें। अच्छा जी, सबसे पहला हर्फ क्या है? जागी। क्या हर्फ है? जागी। क्या हर्फ है? जागी। गाड़ी, गाड़ी। दादी, दादी। मोची, मोची। जोड़ी, जोड़ी। सोती, सोती। टोपी, मोती, मोती। आगे भी वही है कि सवाल नंबर वन है, ई के चार हर्फी अल्फाज लिखें। चलें जी, सबसे पहले देखते हैं क्या है। जागी। सारे बच्चे जोर से पढ़ेंगे मेरे पीछे पीछे। जागी, गाड़ी, दादी, मोची। आगे भी वही है, जागी, गाड़ी, दादी, मोची। वेरी गुड। दोबारा से पढ़ते हैं। जागी, गाड़ी, दादी, मोची। ज़ोर से पढ़ेंगे सारे। जागी, गाड़ी, दादी, मोची। आगे क्या है? आगे है जोड़ी, जोड़ी, जोड़ी। सोती, सोती, सोती। टोपी, टोपी, टोपी। मोती, मोती, मोती। अब सारे बच्चों ने, आप लोगों ने नीचे सेम सेम लिखने हैं जैसे ऊपर जागी, गाड़ी, दादी, मोची था, और वही वर्ड दोबारा नीचे भी लिखे हुए हैं। ऐसे ही आप लोगों ने अब बार बार जोड़ी लिखना है नीचे, उसके नीचे आगे है सोती, तो सोती के नीचे सोती सोती लिखना है। आगे है टोपी, तो यही वर्ड नीचे बार बार लिखते जाना है। आगे है मोती, तो आप लोगों ने मोती को बार बार लिखना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।